नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, चलते हैं आज अपने अगले वीडियो की ओर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी कि अब हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं और धीरे धीरे उन टॉपिक को कवर किया जाएगा, और ऐसे में अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, तो आइए उनमें से एक आज हम टॉपिक उठाते हैं, वचन। आप जानते ही हैं लिंग और वचन दोनों परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनसे एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज वचन को इस तरह से कवर किया जाए मेरे मित्रों कि कुछ भी छूटने न पाए, ना इस तरह से कवर किया जाए कि वचन से जो भी प्रश्न आए उसे हम कर लें। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत आसान होता है वचन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना, बस हमारे पास कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना चाहिए, और वो बातें मैं लेकर आया हूँ। मैं लोगों की तरह आपको आठ पेज में वचन ये लगता है वो लगता है ये लिख कर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण बातों, और उन्हीं गारंटी है कि उन बातों में से हमारा काम चल जाएगा। तो आइए पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे अपनी बात पर आएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वचन किसे कहते हैं। देखिए, वचन का मतलब होता है मित्र जिससे किसी भी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जो संज्ञा है वो संज्ञा एक है या एक से ज़्यादा है, जिससे हमें उसका पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो वचन होते हैं। कितने होते हैं? दो। देखिए, इस बात को गौर करिएगा, कई बार कंफ्यूज कराने के लिए सामान्य रूप से यह प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि संस्कृत में वचन तीन हैं और हिंदी में दो हैं, तो इसलिए कई बार पूछ लेता है। देखिए, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल दो वचन होते हैं मेरे मित्र, एक वचन और बहुवचन। तो अब आइए देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। देखिए, एक वचन का मतलब है मित्र जिससे एक, आप खुद देख रहे हैं, वचन माने संज्ञा का जो है पता चलना, और एक माने एक, मतलब जिससे ये पता चलता है कि संज्ञा एक है, अकेली है, उसे एक वचन कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, नदी माने एक नदी, राम, राम भाई नाम है, एक अकेले व्यक्ति का नाम है राम, घर, घर माने एक घर, तो ये सब क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब आइए चलते हैं बहुवचन की ओर। बहुवचन माने जिससे किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है उससे क्या कहते हैं? बहुवचन। एक से अधिक मतलब जिससे हमें ये पता चले कि जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो एक अकेली नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे देखिए, लड़का से हमने बना दिया लड़के, लड़के का मतलब हो गया एक से अधिक लड़के, बहुत से लड़के। नदियाँ, एक से अधिक नदियाँ। घरों, भाई राम का रामों तो होगा नहीं, राम तो एक बचे नहीं रहेगा। घरों, घरों माने एक से ज़्यादा घर। वस्तुओं, एक से ज़्यादा वस्तुएं। तो याद रखना, वस्तुओं इन सब का प्रयोग होता है। तो याद रखें मित्र, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वचन क्या है? जिससे संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा जब एक हो, बहुवचन माने एक से ज़्यादा हो। आप जानते हैं, अब सामान्य रूप से हमारे पास एक पहला तरीका, यहाँ आपको सिखाता हूँ, तब चलेंगे विशेष बात पर। देखिए, पहला तरीका ये है कि जो भी शब्द हमें दिया गया है और पूछा गया है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, देखिए चूंकि विकल्प तो चार बनाने हैं हिंदी में, तो भले वचन दो हैं लेकिन अब दो विकल्प तो देगा नहीं, इसलिए हर विकल्प में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त तीनों, इस तरह से लिखा रहेगा। तो हमें द्विवचन और चौथे ऑप्शन पर तो विचार ही नहीं करना, केवल ये देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो सीधे सीधे इसका एक ही ट्रिक है, एक ही जुगाड़ है मित्र, बहुत आसान जुगाड़ है। जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द के साथ एक उचित क्रिया रखिए। अगर शब्द बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की लगेगी, अगर शब्द एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की लगेगी। जैसे लड़का घूमता है कि घूमते हैं? लड़का घूमता है, लड़का घूमते हैं नहीं, लड़का घूमते हैं तो वाक्य शुद्ध हो गया। लड़का घूमता है, घूमता है एक वचन, इसका मतलब लड़का एक वचन है। नदी बहती है कि बहती हैं? नदी बहती है और नदियां बहती हैं,
तो नदी एक वचन और नदियां बहुवचन क्यों? क्योंकि उसके साथ बहती क्रिया लगी, यहां बहती हैं क्रिया लगी। तो इस तरह से यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना मित्र, बहुत आसान तरीका। जैसे यहां देखिए आप वस्तुओं ना, अब जो है वस्तुओं का हम प्रयोग बहुवचन में करेंगे। भाई वहां बहुत सी वस्तुएं रखी हैं या वहां वस्तुएं बिकी, हम ये नहीं कहते कि वस्तुएं बिकी ना, या वस्तुओं का मूल्य बढ़े, वस्तुओं का जो है वस्तुओं का प्रयोग हम जो है सदैव बहुवचन में करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना मित्रों कि हमेशा हमें जब भी इस तरह का प्रश्न आए सिंपल सा एक काम करना है, जो शब्द दिया गया है उसके साथ उचित संग जो है एक क्रिया रखिए और उस क्रिया को तत्काल वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। अगर एक वचन की क्रिया उसके साथ सही बैठती है तो शब्द एक वचन है, यदि बहुवचन की क्रिया सही बैठती है तो शब्द बहुवचन है। ठीक, तो ये तो रहा पहला तरीका जो लगभग सारे शब्दों को कवर कर देगा। लेकिन वचन में कुछ विशेष बातें होती हैं, तो आइए चलते हैं अपनी दूसरी तरफ, वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। अगर यही तीन चार बातें यहां जो लिखी हैं, यही इतनी चार पांच बातें याद रहें, तो मैं लिखित गारंटी देता हूं अगर किसी परीक्षा में वचन का एक प्रश्न गलत हो जाए तो हमसे मिलिएगा। कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बाहर कुछ आता ही नहीं। ठीक, क्या है पहला, ये एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे मित्र बता देता हूं, एकदम जबान पर रटा होना चाहिए 13 शब्द, एकदम 13 शब्द याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। निम्न शब्द नित्य बहुवचन होते हैं, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग कभी भी एक वचन में होता ही नहीं, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है और बार बार यह पूछता है कि एक वचन है या बहुवचन है। कौन कौन से? प्राण, लोग, दर्शक, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, समाचार, भाग्य, होश और हस्ताक्षर। ये 13 शब्द जो है एकदम जुबान पर रट लीजिए कि ये सदैव बहुवचन होते हैं, इनका प्रयोग कभी भी एक वचन में नहीं होता, और इसको हमेशा याद रखेंगे तो मैं लिखित गारंटी देता हूं, प्रश्न सॉल्व करके देखिएगा 90% क्वेश्चन केवल इन्हीं 13 शब्दों में से फंस जाते हैं, 90%। तो ये 13 याद रखें, ये जहां भी इन्हें देखें तुरंत बहुवचन लगाएं। अगला चलते हैं, प्रत्येक और हरेक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक और हरेक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। मतलब यदि कहीं भी प्रत्येक शब्द लिखा हो या हरेक लिखा हो, पूछ ले प्रत्येक क्या है तो एक वचन है, हरेक क्या है एक वचन है। हाँ, ये 2 शब्द तो और भी महत्वपूर्ण हैं, जनता और भीड़। हाँ, इसके साथ एक शब्द और भी है मेरे मित्र, पुलिस। जनता, भीड़ और पुलिस, ये 3 शब्द भी सदैव एक वचन होते हैं। तो 5 शब्द हमारे हो गए जो सदैव एक वचन होते हैं, जनता, भीड़, पुलिस, प्रत्येक, हरेक। ये 5 याद रखिए, इनको जहां देखिए एक वचन लगाइए, ये 13 याद रखिए, जहां देखिए जो है बहुवचन लगाइए। अगर यही 18 शब्द केवल याद रहे तो मैं गारंटी से कहता हूं किसी परीक्षा का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, अगर 18 से बाहर 19वां आएगा तो मुझे बताइएगा, कभी नहीं आता है। तो ये रहा, लेकिन हम कुछ चीजें यहां और भी आपको बताएंगे जो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, अगर कुछ शब्दों का बहुवचन ना, कुछ शब्द ऐसे भी हैं मित्र जिनका बहुवचन लोग, गण, वर्ग या जाति तथा जन लगाकर किया जाता है। मतलब इनका डायरेक्ट बहुवचन कभी बनता भी है, कभी बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इनका बहुवचन बनाने के लिए लोग, गण, वर्ग, जाति या जन लगाया जाता है। कहने का सीधा सा एक लाइन मतलब यह है कि यदि किसी शब्द के साथ लोग, गण, वर्ग या जाति या जन लगा देख लीजिएगा तो तत्काल यह जान जाइएगा कि यह कैसा शब्द है, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। जैसे मामा लोग, अब हम मामे तो कहते नहीं ना, मामाओं कहते हैं,
ये दोनों शब्द गलत है, मामा का बहुवचन बनता ही नहीं, तो हम लोग लगाकर बनाएंगे, नाना लोग। अब अगर आपसे पूछा कि मामा लोग है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सीधा सीधा लोग लगा है, इसका मतलब बहुवचन है। तारा गण, ठीक, अब तारा के साथ गण लगा है, देवता गण। अगर पूछ ले कि देव गण या देवता गण कैसी संज्ञा है, तो सीधा सीधा जो है हमें ये बता देना है कि इसमें जो है बहुवचन है। कैसा वचन की दृष्टि से कैसी संज्ञा है, बहुवचन है, ठीक। चलिए मानव जाति, अब देखिए जाति शब्द लगा, मानव जाति माने संपूर्ण मानव जाति, बहुवचन। पाठक वर्ग, वर्ग लग गया, संपूर्ण पाठक वर्ग। भक्त जन, जितने भी भक्त हैं, स्त्री जन, जितनी भी स्त्रियां। और इसमें एक शब्द और भी प्रयोग किया जाता है जिसे आप ध्यान रखें, वृंद, जैसे मुनि वृंद। तो अगर वृंद भी कहीं लिखा देख लें आप, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यह क्या है, बहुवचन। तो मेरे मित्र, लास्ट में एक लाइन में बता देता हूं, अगर किसी शब्द के अंत में लोग, गण, वर्ग या जाति, जन या वृंद लगा देख लीजिएगा, तो तत्काल समझ जाइएगा कि यह क्या है, बहुवचन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गए, 18, 5, 23 शब्द हो गए टोटल। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, आदरार्थे बहुवचनम। अब आपसे पूछेगा कि पिताजी शब्द वचन की दृष्टि से है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन ना, या मामा जी शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए यह संस्कृत का एक नियम है जो रामबाण की तरह काम करता है, आदरार्थे बहुवचनम। मतलब यदि किसी को सम्मान दिया, आदरार्थे माने आदर देना, सम्मान देना, तो आदर के अर्थ में या सम्मान के अर्थ में सदैव बहुवचन होता है। मतलब यदि हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी को आदर देते हैं, तो वहां सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन नहीं। जैसे आइए हम यहां उदाहरण लेकर आपको दिखाते हैं, देखिए क्या लिखा है, माता जी आई हैं। हम ये नहीं कहते माता जी आई है, भाई आप खुद प्रयोग करके देखो, कभी आप ऐसा कहते हो कि माता जी आई है, भाई भैया जी, भैया चला गया, हम भाई हमेशा यही कहते हैं, माता जी आई हैं, पिताजी चले गए। अब देखिए माता जी तो अकेली हैं, और जब माता जी अकेली हैं तो हैं क्यों लग रहा है, पिताजी तो अकेले हैं फिर गए क्यों लग रहा है। तो ध्यान रखना मित्रों, ये सूत्र है, ये नियम है आदरार्थे बहुवचनम। जब हम माता जी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हम उनके साथ एक वचन का प्रयोग नहीं कर सकते, हम सदैव उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का। पिताजी जब हम सम्मान दे रहे हैं तो बहुवचन। तो यह अक्सर प्रश्न बच्चों से गलत होता है, क्यों गलत होता है, पूछेगा कि पिताजी शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बच्चों को लगता है कि भाई पिताजी माने अकेले पिताजी, एक वचन, लेकिन ध्यान रखिएगा पिताजी, जी शब्द लगा है, जी माने सम्मान सूचक, और जब आप आदर दे रहे हैं तो बहुवचन। मतलब अगर किसी के साथ सम्मान सूचक शब्द लगा, वैसे भी मामा भी अगर आप कहें तो हम ये नहीं कहते कि मामा आया है, हम मामा आए हैं ना? तो याद रखना बेटे, ध्यान में रखिएगा, हम जिसे सम्मान देते हैं उसके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और उम्मीद करता हूँ आप बेहतर समझे होंगे। बस केवल एक लाइन, जिसको आदर दिया जाए, जिसे सम्मान दिया जाए, वो कभी एक वचन नहीं होगा, सदैव बहुवचन होगा। आइए दो नियम और देखते हैं जो है वचन संबंधी, ये वर्तनी त्रुटि की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये वर्तनी त्रुटि की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम में क्या होता है कि कई बार जो है हम वर्तनी में ये पूछा जाता और हम गलत कर देते हैं। याद रखिए, यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द, लिंग क्या होना चाहिए, उसका स्त्रीलिंग होना चाहिए, यदि किसी स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में छोटी या बड़ी हो, तथा
जब हम उसका बहुवचन बनाने लगते हैं तो उसके अंत में यहाँ जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना मित्रों कि या तो जोड़ते हैं लेकिन यदि बड़ी है तो उसे छोटी ही में बदल लिया जाता है, और यही चीज़ वर्तनी शुद्धि में बार बार पूछी जाती है। क्या कहा हमने, यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ही या बड़ी ही हो तो उसका बहुवचन बनाते समय उसमें यहाँ जोड़ते हैं, लेकिन अगर बड़ी ई वाला है तो यहां जोड़ते समय बड़ी ई को छोटी ई में बदल लिया जाता है। जैसे देखिए नारी, अब नारी शब्द स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग है, साथ ही र पर बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, र पर जब बड़ी ई की मात्रा है तो नारियां होगा, न की नारियां। अब देखिए यहां जो नारियां शब्द है वो र पर छोटी ई लगा के लिखा जाएगा, र पर बड़ी ई लगा के नारियां नहीं लिखा जाएगा, यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा था, जैसे स्त्री, अब स्त्री में स्त्रीलिंग है लेकिन त्र पर यहाँ बड़ी ई है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ लगाकर इसका बहुवचन बनाएंगे इस बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे, मतलब स्त्री का क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ। अब जैसे यहाँ देखिए तिथि, अब तिथि में थ पर छोटी ई है तो हमें दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ जोड़ा और बना दिया तिथियाँ। लेकिन परी, अब परी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में बड़ी जो है बड़ी है अंत में, तो उसको छोटी में बदल देंगे और उसे कर देंगे परियां, परियां नहीं परियां। अब आइए एक ऊ से संबंधित नियम और देखते हैं, यदि शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय अंत में ओ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऊ। लेकिन बिल्कुल वही नियम, बड़ा ऊ यदि है तो ओ जोड़ते समय बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल लिया जाता है। जैसे वधु, अब देखिए वधु स्त्रीलिंग है, अंत में बड़ा ऊ लगा है तो जब हम इसका बहुवचन ओ लगाकर बनाएंगे तो वधुओं नहीं कहेंगे, वधुओं कहेंगे, मतलब बड़ा ऊ को छोटे ऊ में बदल लिया जाएगा। इसी तरह से साधु, अब साधु लिखा है तो ध पर छोटा ऊ है तो टेंशन ही खत्म, डायरेक्ट ओ जोड़िए साधुओं बन गया। लेकिन बहु, ह पर बड़ा ऊ है और तब ओ लगाते समय बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल लिया जाएगा। तो ये दो नियम वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से, बाकी ये शब्द जो मैंने आपको अभी बताए इन शब्दों को अगर आपको याद रहे, बिल्कुल याद रहे नहीं, याद रहना ही चाहिए, 20-22 शब्द हैं, एकदम जबान पर तैयार कर लीजिए और पेपर साल्व करके देखिए, अगर वचन संबंधी एक भी प्रश्न गलत होता है तो बताइए, अगर इनके अलावा कोई प्रश्न आएगा तो एकदम आसान वाला आएगा, और आसान वाले का एक जुगाड़ है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा केवल एक काम करना है, शब्द लीजिए उसके साथ क्रिया रखिए, ऐसी क्रिया रखिए जो एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होती है। अब देखिए उस शब्द के साथ एक वचन वाली क्रिया सेट हो रही है या बहुवचन वाली, यदि एक वचन वाली सेट हो रही है तो वो शब्द एक वचन है, बहुवचन वाली सेट हो रही है तो वो बहुवचन है। तो ये रहा वचन संबंधी निर्देश, उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और इस प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है अगले प्रकरण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।